अंतिम सात सांस तक साथ दिया था और हमेशा साथ देती रही थी। अपने बच्चों का, सबका बलिदान, अपनी जिंदगी पूरी बाबा साहब के नाम कर दी थी, पर वो कभी पीछे नहीं हटी। और आज इतनी शर्म की बात है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमारा समाज माता रमाबाई जी को नहीं जानता है। ये मैं किसी और के बारे में नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इतना पीछे हैं, इसमें हम खुद ही जिम्मेदार हैं इस चीज का, क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था में फंसे हुए हैं जिसे हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। हमें ज्ञान ही नहीं है हम कहां जा रहे हैं। हम जा रहे हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की तरफ, और हमें जाना चाहिए विश्वविद्यालयों की तरफ, स्कूलों की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ नहीं, पर हमें तो 33 करोड़ देवी देवताओं की तरफ जाना है, जिनका वजूद ही नहीं है दुनिया में। कौन है, कहां से आए हैं, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा करा है, कुछ नहीं पता। यहां पे कोई ऐसा इंसान है जो मुझे गिनती गिनवा करके 50 भगवानों के नाम बता सकता है? 50 भगवानों के कोई है? गिनती क्या 50? 33 करोड़ देवी देवताओं को तो पूछ लेते हैं, पर 50 गिनती पे नहीं गिनवा सकता कोई भी है कोई? यहां पे जो जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, 15 हमारे दलित समाज के महापुरुषों के नाम गिनवा सकते हो? 15 गिनती के 15 महापुरुष कोई नहीं है। सबको ये तो याद रहता है आज मंगल है, कल बृहस्पति है, आज इसकी पूजा करनी है, कल उसकी पूजा करनी है, पर किसी को ये नहीं पता होगा कि कब क्या करना है। बस मंगल को हनुमान जी की पूजा करनी है, उस मंदिर में जाना है, फलाने मंदिर में जाना है, बस इतना ही करना आता है। कभी जबरदस्ती बच्चों को घर में पढ़ाया है? नहीं। बच्चे कंचा खेल रहे, नाली में चुक्के ला रहे, कोई मतलब नहीं है किसी को, बस पढ़ लेंगे अपने आप, अपनी जिंदगी अपने आप गुजार लेंगे। हम खुद ही जिम्मेदार है हमारी बर्बादी का। अगर हम अपने बच्चों पे जोर जमा करके दें ना पढ़ाई उनको, तो वो पढ़ेंगे और बिल्कुल पढ़ेंगे और आगे तक जाएंगे, पर हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो श्री रावाड़ी की पूजा करनी है, वैष्णो देवी जाना है, बालाजी मंदिर जाना है। क्यों जाना है भाई, कोई बताएगा क्यों जाना है? पैसे बर्बाद करने के लिए जाना है, अपना टाइम खराब करने के लिए जाना है। वैष्णो देवी जाते हैं 3 दिन के लिए, पैसे खराब कर देते हैं, टाइम खराब कर देते हैं। अरे क्या मतलब है वहां जाने का भाई? अरे अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, सबसे बड़ा वही पुण्य है। मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा, अपने भगवान माता पिता ये, उनसे बढ़कर कोई नहीं है।